तो ये कुछ ज़्यादा ही इजी नहीं हो गया? नहीं, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा इजी हो गया? इतना इजीली कौन मारता है? सेट यार, मेरे को गलती हो गया, मेरे को मारना चाहिए था बेकन को यार, मतलब खुद से फाइट लेना चाहिए था। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोथामा गेम। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर गए माइनक्राफ्ट का एक और नया गेम प्ले। इससे पहले वाला अगर आपने लाइव स्ट्रीम देखा था तो उसमें मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, मतलब बहुत ट्राई किया था कि मैं एक स्कल ले सकूं, स्केल्टन स्कल, जो कि लूटिंग के लिए आपके स्क्वाड में होना ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं मिला था। लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा ट्राई कर रहा था तो मुझे एक स्कल मिल चुका था, लेकिन मेरे पास दो स्कल ऑलरेडी पहले से था और वो लाइव स्ट्रीम में ही मुझे मिला था। ये काफ़ी अच्छा बात है। और फिर मैं थर्ड वाले स्कल में खोजा था उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं मिला था। तो अभी कैसे इन्हें, आज हम मारने वाले हैं विचर को और वहाँ से हम बनाएंगे अपने लिए बेकन। तो चलते हैं, पहले अपने दोनों स्कल वो ले लेते हैं और कुछ इंचाइनमेंट भी लगा लेते हैं। और अब मेरे कैसल में थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। क्या चेंजेस हो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले स्कल ले लेता हूँ और उसके बाद अपने स्क्वाड में स्मिथ 5 का इंचाइनमेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो स्कल है, दो इंचाइनमेंट है, और यहाँ से बस मुझे एक स्मिथ 5 का बुक लेना है। और यहाँ पे मैं बहुत सारा इंचाइनमेंट बुक ले चुका हूँ बिकॉज वो सिर्फ एक्सपी इंक्रीज कर करके। और मुझे मेंडिंग और इन्फिनिटी, ये दो बुक मुझे नहीं मिला अभी तक, और आई थिंक मुझे लगता भी नहीं कि मिलेंगे। और स्मिथ 5 किधर है? स्मिथ 5, ओके। तो ये इंचाइनमेंट हम लगाने वाले हैं अपने स्क्वाड पे। और एक स्क्वाड में देखोगे तो आपको बहुत सारा इंचाइनमेंट लगा हुआ ऑलरेडी, फायर प्रोटेक्शन, शार्पनेस, अनब्रेकिंग, लूटिंग। अगर इस पे लगने की कोशिश करते हैं, अगर इसमें लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगेगा तो फिर भी दूसरा पे हम लगा लेंगे। तो ओके, तो पहले तो खाना खा लेते हैं। और खाना खाने का बहुत झंझट होता है आजकल, कुछ ज़्यादा ही भूख लगता है मेरे को माइनक्राफ्ट में। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं हम इस पे लगाने का स्मिथ 5। ओके, तो इसमें इंचाइनमेंट नहीं लगेगा तो मैं इसे इस पे लगाना। तो ओके, चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको क्या। तो मुझे सेल्फ देना होगा उसके लिए, सेल्फ या क्या सार कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ। वेट, मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं क्या करने वाला था, आज मैं बाउंड्री बनाने वाला था अपने वॉल। तो देखते तो व्हाइट कॉन्क्रीट में बहुत कुछ कलेक्ट किया था, बहुत सारा कलेक्ट किया था, बट फिर उसके बाद अचानक से हम नेदर में चले गए। और नेदर में आप जानती ही हो, तो एक जगह मुझे यहाँ से आयरन चाहिए होगा, और आयरन मेरे पास नहीं है क्या? ओके, आयरन इग्नेट है और एक आयरन है, आई थिंक दो आयरन काफ़ी है। मुझे वो सर जिसे लीफ काट सकते हैं, मुझे वो बनाना है बेसिकली। और हम वहाँ से पम्पकिन बनाएंगे, और एक सेकेंड, हाँ ये ऐसा बनता है। तो ओके, पहले चलते हैं, सो जाते हैं सुबह होते ही, फिर चलते हैं अपना काम करने। तो ओके, यहाँ पर सुबह हो चुका है माइनक्राफ्ट का। माइनक्राफ्ट में बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। तो चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं क्या आपके लिए कुछ नया है, कुछ तो नया है। तो देख सकते हो ये हमारा हो गया है एकदम कम्प्लीटली एग्रीकल्चर एरिया, मतलब फार्मिंग एरिया। और यहाँ पर बहुत सारा पंपकिन हम ऑलरेडी प्लांट कर चुके थे, जब हम बाउंड्री तोड़ रहे थे, चेंज कर रहे थे, तभी हमने इस सबको प्लांट कर दिया था। और चलते हैं पहले सीधा यहाँ से बाहर और पंपकिन जो सेल्स है वो सब ले लेते हैं, लीफ। और आई थिंक पंपकिंग पिकेक से कलेक्ट होता है क्या, मुझे डैट पता नहीं है, ट्राई करते हैं। और वेस्ट हो जाएगा तो फिर मुझे एक्स लेकर के आना होगा। और पहले तो इसे ऐसा कर लो, एक दो तीन चार पाँच। तो ओके, यहाँ से मुझे पंपकिंग बस कलेक्ट कर लेना, प्लीज़ कलेक्ट हो जाना। ओके, पंपकिंग कलेक्ट हो चुका है। ओके हाँ, तो ये एक्स बेसिकली, ये एक्स से ज़्यादा इजिली टूट जाता है, बट इसे हम पिकेक्स ले सकते हैं, पिकेक्स से तोड़ रहे हैं। और एक्स मेरे पास नहीं है। ओके, तो मेरे पास एक्स नहीं है इसलिए हम इसे पिकेक्स से तोड़ रहे हैं। तो चलो इसे तोड़ लेते हैं। और मेरे पास दो स्कल है, मुझे कितना मेरे पास पाँच पंपकिंग, आई थिंक 5 गुलाम काफ़ी होगा। और मैं अपना बो रखता हूँ कुछ, और थोड़ी इंचाइनमेंट कर लेता हूँ इनको। तो ओके चलो ठीक है। तो यहाँ से पहले चलते हैं अपने आयरन फार्म से। और आपने अभी तक मेरा आयरन फार्म नहीं देखा है तो प्लीज़ आयरन फार्म देखो, और उसका गेम प्ले ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर देखें। और मे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, कहीं भी एक जगह मिल जाएगा, वहाँ देखना। ये गोल आयरन फार्म बहुत ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है, और लिटरली बहुत बड़ा भी है, मतलब सब कुछ एक ही में, सीरियसली। तो ओके, चलते हैं सीधा यहाँ से। और यहाँ पर बहुत सारा मुझे आयरन कलेक्ट करना होगा, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आयरन हो चुका है। तो यहाँ से मुझे, मैं जितना हो सके उतना ले लेता हूँ आयरन। और ओके, तो
तो जितना आयरन हो सके उतना हम ले लिए, तो चलते सीधा कैसल में, इन सबको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं और फिर चलते हैं बेसमेंट में और वहां पर बेकन के साथ, वीचर के साथ हम लड़ाई करेंगे। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हम 50 आयरन का ब्लॉक बना चुका है। आई डोंट थिंक सो 50 का यूज होने वाला है। और इस जगह हम पंपिंग थोड़ा और ले लेते हैं, क्यों ना वी गोलम ही हम मारते उसे, हमारी मारने का हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 सेकेंड यहाँ पर रख दिए, और जो चीज़ मुझे यूज़ नहीं है वो चीज़ हम रख देते हैं। और मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। आई थिंक स्लॉट 5 है, स्मिथ 5 ये ले लेते हैं और इसे रख लेते हैं बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ। और सिल टच भी रख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा मेरा सिल टच कहीं गुम हो जाए, और अगर हम मर जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले चलते हैं और थोड़ा पंपकिन कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 10 पंपकिन हो चुका है, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। तो पहले चलते हैं अंडरग्राउंड बेस और देखते हैं, पहले तो जगह में खोजना होगा कहाँ पर हम गोलम को स्पॉन करेंगे और कहाँ विचर को स्पॉन करेंगे। तो उससे पहले तो मुझे जाना होगा, एक छोटा सा काम है, सोल सैंड लेना होगा और उसके बाद सीधा नीचे चलेंगे और विचर को मार देंगे। तो ओके, हम आप फाइनली अपने लिए सोल सैंड भी ले लिए हैं और पिक्चर को मार के बस हमें स्टार लेना है, उसके बाद फिर बेकन हमारा रेडी हो जाएगा। और देखते हैं बेकन हमारा कैसा लगता है, बीकन नॉट बेकन, बीकन। ओके, और ये सब थोड़ा चेंजेस है मेरे कैसल में। और बहुत जल्द हम बहुत ही बड़ा एक वॉल बनाने वाले हैं, और मुझे इस एरिया को भी थोड़ा अच्छा करना है क्योंकि ये मेरा पहला घर है, पहला प्यार है मेरा। तो देख सकते हो ये मेरा पहला प्यार थोड़ा ख़राब हो चुका है, बाहर से काफ़ी अच्छा है जैसा फर्स्ट डे था वैसा ही आज भी है, लेकिन अंदर से थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या क्या, मतलब ये तो मैं थोड़ा बहुत और अच्छा किया था और लिटरली देख सकते हो बहुत बेकार हो चुका है। तो चलते हैं पहले अंडरग्राउंड और वहाँ पर हम विचर से लड़ाई करेंगे, तो वो एक साइड से हमारे लिए माइनिंग भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा हमें। आई थिंक हम यहाँ अगर विचर से लड़ाई करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑब्सीडियन है, लेकिन रिस्क है, रिस्क है। तो चलते हैं नीचे सीधा। तो ओके, यहाँ पर आई थिंक ये काफ़ी अच्छा जगह है, इसको थोड़ा और हम डिक कर लेते हैं। और मेरे पास प्लीज़ पिकैक्स हो, ओके मेरे पास पिकैक्स नहीं है, तो मुझे मेरे पास डायमंड भी नहीं है, तो मैं मेरे को डायमंड करना होगा। और आई थिंक यहाँ पर हम स्पॉन ही नहीं कर पाएंगे, एक बार उसे और करना होगा। तो ओ ग्रॉवेल, ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, ग्रॉवेल बहुत होता है। तो एक काम करते हैं हम इसे यहीं पर रिस्पॉन करें, हम चाहेंगे जितना इजी हो हमारे लिए उतना बेटर है यार, फालतू का क्यों ले हम पंगा किसी से। अभी विचर थोड़ा खतरनाक है, विचर थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, विचर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो विचर से थोड़ा बच के ही रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा मतलब गोलम स्पॉन करें ताकि वो अच्छी। अच्छा, हम हाइट नहीं ले सकते ना, हाइट हम नहीं लेते हैं बिकॉज अगर हम हाइट कर देते हैं तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम है, तो गॉबली स्टोन डाल दो पहले से। तो ओके, आई थिंक इतना जगह काफ़ी होगा, और अपने थोड़े भागने के लिए हम जगह बना लेते हैं। आई थिंक इतना जगह काफ़ी होगा एक विचर को मारने के लिए। तो पहले तो यहाँ पर बहुत सारा गोलम को स्पॉन करना होगा हमें, और गोलम को स्पॉन करने के बाद विचर को हम स्पॉन कर सकते हैं। तो गोलम ऐसे स्पॉन होता है, इस साइड, इस साइड, या ओके। तो गोलम फाइनली स्पॉन हो चुका है, और रुक जा मैं तेरे को भाई लोग को भी स्पॉन कर देता हूँ यार। तो ओके, दो कोलम हो चुका है, 11 लोग मर जाएंगे। वेट वेट, रुक जा, मैं नहीं चाहता हूँ ये लोग मर जाएं बिकॉज यहाँ पर छोटा स्पेस होगा, काफ़ी दिक्कत होगा, ये लोग मर जाएंगे। तो ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा बड़ा जगह हो चुका है, और दो तीन कोलम को स्पॉन कर लेते हैं हम। ओके, तो फाइनली गोलम बहुत सारे स्पॉन हो चुका है, तो एक काम करते हैं अब टाइम आ गया कि वीचर को भी स्पॉन कर लेते हैं। तो वीचर को स्पॉन करने से मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग उनको मार दें यार प्लीज़, ज़्यादा बेटर है, मेरा ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ हट जाओ गोलम, प्लीज़ हट जा। अरे हटो ना यार, तुम लोग इतना इतना जगह जगह थोड़ा बढ़ाना होगा। वेट थोड़ा सा और, चलो तुम उधर थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। ओके, तो फाइनली वीचर अब यहाँ आने वाला है, और 1 सेकेंड इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि मेरे को भी तो भागना है। तो यहाँ पर एक दो और एक स्किल रखने के बाद विचर यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा। तो चलो ये विचर स्पॉन हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये गोलम उनको मारेगा और बस। ओए मैं कैसे मर गया। ओके, तो गोलम उनको मार रहा है, गोलम विचर को मार रहा है, चलो ये अच्छा बात है।
बट मैं कैसे मर गया है, फटा कैसे, ये क्या सीन है? ओके, तो फाइनली वीचर मर चुका है, यस आई गॉट इट, बस मुझे जाकर स्टार कलेक्ट करना है। ये कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा ही सिंपल था। ओके, आई थिंक ये सब कुछ ज्यादा हम सिंपल बना दिए थे, मुझे इतना सारा गोलम को स्पॉन नहीं करना चाहिए था। और मुझे समझ में नहीं आया मैं मरा कैसे, आई थिंक वीचर ने एक बार जो फेंका होगा बॉम्ब उसी में हम मर चुके होंगे। तो आई थिंक मेरा सामान डैमेज ना हो प्लीज, मेरा सामान सब सही सलामत हो, तो चलो ठीक है। आई थिंक ये स्टार तो मिल गया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं मारूं या फिर कोई और मारे। तो ओके चलो यहाँ पर, ओह देख सकते हो क्या तबाही मचाया भाई इसने। ओके तो स्टार किधर है, स्टार 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 किधर है? ओके तो फाइनली मुझे नहीं, स्टार तो अभी तक नहीं मिला है। अरे हट जाओ, मुझे स्टार अभी तक नहीं मिला, मुझे स्टार अगर मिलता। ओके तो स्टार स्टार मुझे चाहिए, और हेलमेट ये, और पैंट रोज मिल रहा है, ये सब क्या चीज़ है? पैंट लगा लो, शूज, और मेरे स्टार किधर है? स्टार स्टार प्लीज। ओके तो फाइनली स्टार मिला मुझे। शूज 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 को फेंको। ओके तो ये रहा हमारा स्टार, और इसे बस हमें कलेक्ट करना है कैसे, इसे यहाँ फेंक दो। ओके तो स्टार मुझे फाइनली कलेक्ट हो चुका है गाइस, फाइनली हम वीचर को मार चुके हैं। सॉरी माफ करना, मैं नहीं मारा, गोलम मारे, बट ठीक है यार, मतलब इतना सारा गोलम हमने स्पॉन किया, इतना सारा हमने अपना आयरन वेस्ट किया, क्यों किया? अगर मुझे ही सब कुछ करना रहता तो। और देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। तो फाइनली मेरे पास स्टार आ चुका है, और मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जा करके क्रिएट कर देना है। मेरे पास मेरा बेकन हो चुका है, बस मेरे पास ऑब्सीडियन हो, आई विश कि मेरे पास ऑब्सीडियन और मेरे कुछ सामान इधर रह दूंगी ना। और ओके तो मेरा कुछ खाना है, मेरा कुछ खाना है, तो रोजेस क्या हम फेंक सकते हैं यहाँ पर? और गन पाउडर मुझे 64, किस बात है गन पाउडर मुझे 64 मिला? आई डोंट नो। पम्पकिन का सीड काफ़ी मिल चुका है, इस रोस्टेड को फेंको। अरे रुक जाओ, मेरे को नीचे जाने दो, रुक जाओ ना, अरे मुझे नीचे जाने दो भाई। भाई इस बंदे को मार देंगे हम, इससे क्या तकलीफ है, इस व्यक्ति को क्या तकलीफ है भाई। तो ओके देख सकते हो लोग कितना हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही लोग हो चुके हैं। चलो ठीक है, तुम लोग अपना लाइफ इंजॉय करो यहाँ पर, और किसी दिन ज़रूरत होगा तो हम फिर तुम्हें बुलाएंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। और इसलिए यहाँ पर हम टॉर्च लगा लेते हैं, बिकॉज अच्छा वैसे भी जॉम्बी वहाँ स्पॉन होंगे तो वो लोग मर ही जाएंगे, तो ये कुछ ज़्यादा ही इजी नहीं हो गया? नहीं, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा इजी हो गया? इतना इजीली कौन मारता है? सेट यार, मेरे को गलती हो गया, मेरे को मारना चाहिए था बेकन को यार, मतलब खुद से फाइट लेना चाहिए था, बट ठीक है, हो गया हो गया, किसी और दिन किसी और बेकन को मारेंगे। अगर मेरे पास तीन तीन आ जाता है तो, तीन स्केल्टन का आ जाता है तो। ओके तो बाहर तो बहुत लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, इसमें फाइव। ओके तो इसलिए हमने सब कुछ अपना नहीं लेके आए थे, तो ये बाहर ही लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो आ जाओ। कोई नहीं है ज़ॉम्बीज, कोई नहीं है। ओके ये है, ओके तो ये बंदा को तो हमेशा खुजली रहता है। तो चलो ठीक है, पहले सब सामान रख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बेकन बनाने का तैयारी करते हैं। खैर मेरे पास ऑक्सीजन हो प्लीज़, अदरवाइज मुझे जाकर के ऑक्सीजन भी कलेक्ट करना होगा। चलो गेट बंद कर दो। ओके तो बहुत फालतू फालतू का सामान आ चुका है मेरे पास, तो सबको पहले रख लेते हैं। और ग्रॉवेल, और मेरे पास फ्लिंट, ओ 4 फ्लिंट भी मुझे मिल चुका है। गन पाउडर तो ठीक है, गन पाउडर काफ़ी मिला, कोल भी मिल चुका है काफ़ी सारा, तो चलो ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक अलग सा स्टोरेज हाउस बनाने के लिए, कैसा रहेगा अगर मैं अपना अलग से स्टोरेज हाउस एक बना दूँ तो? क्योंकि कैसल हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी रियली फ्रैंक, कैसल हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसल के लिए हम थोड़ा रीडेकोरेट करेंगे। तो इसको अंडर कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ से जितना भी सामान है वो सबको हमें शिफ्ट करना प्लीज़। ओके तो मेरे पास 10 ऑब्सीडियन है, ग्लास है, और ये है, तो ओके तो फाइनली हम बेकन बना सकते हैं, और कुछ ज़्यादा ही ईजी था, मुझे लगा नहीं था इतना ईजी होगा। हमने कुछ ज़्यादा गोलम को स्पॉन कर लिया था, और 26 ब्लॉक है आयरन का, ठीक है। तो ओके 3 ऑब्सीडियन, एक स्टार, और साइड में ग्लास। तो ओके गाइस, फाइनली मेरा बेकन बन चुका है, अब मुझे इसके लिए कुछ ब्लॉक चाहिए होंगे। ब्लॉक 26 ब्लॉक हैं ऑलरेडी, तो ओके चलो ठीक है।
और मेरे पास आयरन बहुत ज़्यादा है, पहले सो लेते हैं, सुबह चलते हैं, अदरवाइज जॉम्बीज बहुत परेशान करने वाले हैं। तो फाइनली हमारे पास बेकन आ चुका है और हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम मेरा इंचाइमेंट उतना अच्छा नहीं है, मेरा इंचाइमेंट बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत सारा इधर उधर यूज़ करना पड़ता है, तो तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए बेकन का कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाला है मेरे लिए। और बेकन को हम इस जगह पर आएंगे कि वो सेंटर में हो, मतलब अभी मोस्टली कंस्ट्रक्शन इस एरिया में होने वाला है, तो हम इस एरिया में ही बेकन को रखने वाले हैं, और बाद में फिर इसे हम चेंज कर सकते हैं, बाद में इसे हम चेंज कर देंगे फिर। तो फिलहाल के लिए तो ऑब्सीडियन के बदले पर हम इसे रखते हैं, और यहाँ पर हम बेकन सॉरी अपने लिए बेकन बनाएंगे। तो इसका मुझे याद नहीं है टू बी रियली फ्रैंक। तो ऊपर में ऊपर कितना होता है, ओके, तो यहाँ पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला सबसे पहला होना चाहिए 7। तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और मुझे यहाँ से होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस मुझे इसे कनेक्ट कर देना है, और आई विश कि मेरे पास उतना हो। ओके, तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, मुझे लगा ही था कि मेरे पास नहीं है यार। ओके, तो पहले आयरन कलेक्ट करते हैं और उसको जाते हैं कन्वर्ट करते हैं आयरन ब्लॉक में, और उसके बाद शायद हो जाए, बिकॉज मेरे पास आयरन तो बहुत सारा है, और हाँ लिटरली काफ़ी ज़्यादा है। और क्यों ना हम अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना करके यहीं पर क्राफ्ट कर लें, ये भी तो पॉसिबल है। वैसे भी हमारा कैसल कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखता है, कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा है। तो चलो ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं और इसे कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर बस आयरन आयरन ब्लॉक 64, तो यहाँ पर कितना ब्लॉक, 64 ब्लॉक हो चुका है। तो आई डोंट थिंक जो 64 ब्लॉक में होने वाला हमारा काम, पर ये 6x7 लग नहीं रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वही सोचे मुझे लग ही रहा था ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में होना चाहिए। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आई विश प्लीज़ हो जाना, प्लीज़ हो जाना, बिकॉज मेरे पास आयरन ब्लॉक ज़्यादा तो नहीं है, बट इस लेयर तक हो जाएगा, इसके नीचे एक और लेयर आएगा उसमें नहीं हो पाएगा। तो ओके, तो फाइनली ये हमारा बेकन के ये बेस रेडी हो चुका है, तो बस इस पे रख देना है। तो ये काम नहीं किया, ओ काम कर गया, यस फाइनली काम कर दिया, थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स करता है, और मेरे पास 7 एक्स्ट्रा है और मेरे पास बहुत सारा आयरन है। तो अभी इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम मेल्ट कर लें, इसको ये कर लेते हैं, कन्वर्ट कर दें आयरन में। तो अगर हम इसमें एक आयरन अगर देते हैं तो इससे हम हेस्ट ले सकते हैं क्या? तो ओके, हेस्ट ले चुके हैं, अब देखते हैं कैसा स्पीड काम कर रहा है। ओके चलो ठीक है, अच्छा यहाँ हम क्यों कर रहे हैं भाई कुछ भी। ओके, तो स्पीड अब काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा हो चुका है स्पीड, और मजाक मजाक में हम कुछ ज़्यादा ही अपना नुकसान करा चुके हैं। ओके, तो इसके नीचे का एक लेयर और है, वो भी शायद हम रख सकते हैं, और ग्लास ग्लास को कलर कर सकते हैं हम रेड डाई के साथ, तो स्टोन के साथ हम कर सकते हैं क्या? नहीं, तो इस ग्लास को कलर करते हैं रेड डाई के साथ और देखते हैं फिर कैसा हमारा बेकन का कलर होता है। थोड़ा कलर चेंज करेंगे ऑब्वियसली, मतलब अच्छा लगना चाहिए, तो रेड पेपी से हर रेड डाई बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो रेड डाई, दो रेड डाई हो गया, और एक ग्लास मुझे, दो ग्लास मुझे सिर्फ कवर करना है और फिर देखते हैं कैसा है। और एक सेकेंड, हम सोच रहे हैं अपने लिए एक डाई के लिए एक ये रख लें, मतलब डाई का एक फार्म खोल लें। ओके, तो हमारे पास ग्लास का कमी पड़ गया, तो पहले चलते हैं ग्लास लेकर के आते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, मेरे पास ग्लास तो नहीं है, बट मेरे पास प्लान है, प्लान क्या हो? मतलब वो लम पतला सा, तो ये वहाँ पर इंसर्ट हो सकता है क्या? प्रोजेक्ट एग्जैक्ट पता नहीं है, और इसका रेंज क्या क्या होता है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना प्लीज़। चलते पहले देखते हैं कैसा कलर लगने वाला है रेड। तो इसमें हम सोच रहे हैं यहाँ पर हम एक बॉक्स रख लें, और वो बॉक्स से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ये तुम यहाँ क्या घूम रहे हो, पार्क है क्या? नहीं, ये पार्क है, घूम रहे हो आप। ओके, तो देख सकते हो ये रेड, तो
तो ओके, मैं क्या सोचा था इसमें ना काफी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर रेड पड़ने वाली है हमारे कैसल में, तो इसका हम कलर चेंज करके रेड कर देंगे। अगर कैसल में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रहा, बस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मतलब पीसफुली का कोई कलर रखेंगे। अदरवाइज जैसा सा चीज़ होती रहेगा वैसा सा चीज़ हम इसमें चेंज करते रहेंगे। रात के टाइम में देखेंगे तो इसमें ब्लैक कर देंगे या फिर कुछ कुछ करते रहेंगे, तो ये इंडिकेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा ये थॉट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये गेम प्ले, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।